आज हम बनाएंगे सांभर। बहुत सारी सब्जियों से भरपूर ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसे आज मैं बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनाकर बताने वाली हूँ और घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से ही बनकर तैयार भी हो जाता है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांभर। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप तुअर या अरहर की दाल को अच्छी तरह से धोकर एक घंटे के लिए भिगा दिया था और अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इसे नाखून से काटो तो इस तरह से आसानी से कट जा रहे हैं। लौकी, बैंगन और गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जियाँ हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई हरी सब्जी ना हो तो आलू ही काट कर डाल दें। भिगाई हुई दाल कुकर में डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे पानी के साथ ही डाल दिया है। अगर आपके पास दाल भिगाने का टाइम ना हो तो इसे उबालते वक्त दो सीटी ज़्यादा लगा दें। अब कटी हुई सारी सब्जियाँ भी दाल में डाल देते हैं। अगर आप सांभर का कलर एकदम बढ़िया लाल चाहते हो तो सारी सब्जियों के साथ ही एक बीटरूट या चुकंदर को भी काट कर डाल दें। अब इसमें पानी डाल देते हैं, तो दो कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। दाल के साथ ही सारी सब्जियों को उबाल लेने से ये अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और सांभर बनाते वक्त हमारे टाइम की बचत हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो झटपट इस तरह से सांभर बनाया जा सकता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लगा देंगे और अब दो सीटियां लग चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ करके कुकर का प्रेशर खत्म होने देंगे और अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, सारी सब्जियां और दाल अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब सांभर में बघार लगाने के लिए बघार की सामग्री तैयार कर लेते हैं। आधा टीस्पून चने की दाल, आधा टीस्पून उड़द की दाल, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, 15 से 20 मेथी के दाने, 12 से 15 करी पत्ता भी ले लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और अब जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि बघार की सामग्री ना जले। एक पिंच हींग भी डाल देंगे, भून लेते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं, भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो 2-3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, भून लेंगे। इसे हमें प्याज के लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। और अब प्याज अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इस स्टेज पर इसमें कुछ पाउडर मसाले भी डाल देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर लें। मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड्स तक भून लेंगे। अगर आप सांभर का कलर बढ़िया लाल चाहते हो तो इसी स्टेज पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लें। और अब सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर भी इसमें मैंने डाल दिया है। टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए इसी स्टेज पर मैंने इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है। मिक्स करते हुए चला देंगे। अब ढककर इसे टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बीच बीच में ढक्कन खोलकर चेक भी करते रहे और अब इसे मैंने लो फ्लेम पर ही 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए मसाले के साथ एक सार कर लेंगे। और अब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। उबली हुई दाल और सब्जियां भी डाल देते हैं। कुकर को क्लीन करते हुए हल्का सा पानी भी इसमें मैंने डाल दिया है। मसालों के साथ ही मिक्स करते हुए चला देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून सांभर मसाला पाउडर भी ले लिया है। मार्केट में आपको सांभर मसाला पाउडर मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का सांभर मसाला पाउडर इस्तेमाल में ले सकते हो। इसमें हल्का सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी में घोल कर डालने से ये सांभर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और लम्स नहीं पड़ते। इसे भी डाल देते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
अब ढककर इसे एक उबाल आने देते हैं और अब थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर देख लेंगे। सांभर में उबाल आने लग गया है। अब इसे खुला ही 2-3 मिनट तक उबलने देते हैं। फ्लेम को मीडियम रखें। बनाते वक्त इसे पतला ही रखें। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी गाढ़ी भी होती जाएगी। और अब 2-3 मिनट तक खुला ही पकने के बाद लास्ट में इसमें मैंने इमली का पेस्ट भी डाल दिया है। तो 1.5 टीस्पून इमली का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है। आपके पास इमली का पेस्ट ना हो तो इमली को पानी में भिगाकर उसका बीज निकाल लें और छानकर इस्तेमाल में ले लें। सांभर में इमली जरूर ऐड करें। इससे सांभर का टेस्ट हल्का खट्टापन लिए एकदम बढ़िया सा आता है। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा सांभर तैयार है। फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी इस तरह से कम समय में झटपट सांभर बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। इसे आप इडली, वड़ा या डोसे के साथ सर्व कर सकते हो। चावल या खिचड़ी के साथ भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।